आप में से काफ़ी लोग क्यूरियस रहते हो जानने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को फटाफट लेती हूँ Hi guys, इट्स Shivangi. वेलकम टू my चैनल सो फाइनली आई एम बैक विद अ canvas पेंटिंग ट्यूटोरियल बिकॉज यू guys हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर दिस tutorial फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड बस उसी चीज का ध्यान रखते हुए आई थॉट इस बार एक कैनवस पेंटिंग टूटोरियल हो जाना चाहिए सो टूडे आई विल भी पेंटिंग हनुमान जी ऑन कैनवस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस इज नॉट एन एब्सट्रैक्ट पेंटिंग बट येस आई हैव सिम्प्लीफाई सिंप्लीफाइड दिस पेंटिंग सो दैट इट्स ईजी फॉर यू गाइज टू रिक्रिएट And I just hope you guys like it. Plus, if you're planning to recreate this painting, I would love to see your versions, your recreated paintings. So don't forget to share it with me on my Instagram handle, which is shivangi.sa. At the same time, you know the drill, like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Just say I'll be able to Also, guys, video key end paying. I will be answering some of your questions. So watch it till the end. And yes, let's start the video. Okay guys so today I will be painting on this canvas pad which I bought from Amazon but पेंटिंग डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं स्केच करूंगी एंड इस स्केचिंग का ट्रेसेबल लिंक आई एव ऑलरेडी एडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो डू चेक इट आउट इफ यू आर प्लानिंग टू रीक्रिएट दिस पेंटिंग सो यस नाउ आई कंसंट्रेट ऑन दी बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ येलो एंड व्हाइट एक्रेलिक पेंट बिकॉज आई वॉज थिंकिंग की मुझे इसको थोड़ा स्काई जैसा लुक देना है बैकग्राउंड को सो इसीलिए मैं फर्स्ट हाफ में मैं येलो अप्लाई कर रही हूँ एंड सेकंड हाफ में आई एप्लाइंग ब्लू एंड व्हाइट एक्रेलिक पेंट डो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो वॉट डी

You don't need any additional colours to create this painting. All you need is red, yellow, white, black, and blue color. So, yes, guys, once that is done, I will hanuman ji balope concentrate. I am mixing black, red, and yellow color. And look at this how beautiful the color is looking. Finally, once all of this is done, am I am concentrate. Karungi ke pe. For that, I am mixing white, yellow, and red color. उससे मिलता है हमें ऑरेंज कलर एंड मैं क्विकली इस ऑरेंज कलर को अप्लाई कर दूंगी एंड लुक एट दिस भी नहीं की जी है. So yes, इस को बहुत ध्यान से देखना बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर स्टेप सो यस गाइज इस स्टेज का सीक्रेट ये है की जो हमने फर्स्ट स्टेज पे जो भी कलर बनाए थे हमें उसके डार्कर वर्जन बनाए हैं बाई मिक्सिंग ब्लैक और रेड कलर एंड उसको so so guys, हम उसको अप्लाई करेंगे उनपे तो आई एम वाटर की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो वी कैन जस्ट गो बैक एंड चेंज द कलर्स सो यस गाइज इसी चीज को मैं फॉलो करते हुए थोड़ी और डार्को शेड्स को यूज करते हुए थोड़ी ज्यादा शेडोज क्रिएट करूंगी एंड दिस इज आई वुड से द सीक्रेट ऑफ दिस पेंटिंग हम स्टेप स्टेप थोड़े और डार्कर शेड्स की तरफ जाते हैं एंड अभी तक तो मुझे ये पेंटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है प्लीज कमेंट ऑन बिलो इफ यू लाइक माय प्रोसेस एंड अगर आपको जिस तरीके से मैं अपने स्टेप्स को ब्रेक करती हूँ अगर आपको वो अच्छा लग रहा है कॉमन ऑन बिलो एंड लाइक द वीडियो एंड ये वंस दैट इज डन अब मैं ट्राई कर रही हूं कि मैं ज्यादा डिटेलिंग्स पे ध्यान दू बिकॉज अभी तक मैं बिल्कुल भी डिटेलिंग्स पे ध्यान नहीं दे रही थी बट बिकॉज दिस इज अम्प्लीफाइड पेंटिंग अफकोर्स मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स भी शो नहीं करूंगी सो एडिशनली नाउ आई एम मिक्सिंग व्हाइट एंड येलो एक्रेलिक पेंट अब मैं हाईलाइट शो करूंगी सो वंस दैट इज ऑल डन गाइज अब मैं रुद्राक्ष की माला को सेम कलर दूंगी जो मैंने हनुमान जी के बालों में यूज किया था एंड दिस इज वॉट इट विल लुक लाइक टू बी वेरी फ्रेंक आई एम लविंग द प्रोसेस नाउ डू कॉमन नॉन बिलो एंड लेट मी नो वट डू यू थिंक अबाउट इट सो एडिशनली नाउ आई वॉन्टेड की बैकग्राउंड में थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट हो इसीलिए आई एम एडिंग अ डार्कर टोन ऑफ ब्लू कलर एंड द प्रोसेस इज एग्जैक्टली द सेम मैं पहले कलर अप्लाई करूंगी एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर मैं बस

हेल्प से मैं यहाँ पे हाइलाइट्स शो करूंगी एडिशनली मैं सारे ऑर्नामेंट्स भी व्हाइट कलर से ही बना रही हूँ प्राइमरी कलर्स का ही यूज करूंगी लुक एट दिस आई द कॉमेंट सेक्शन बिलो वट डी यू थिंक अबाउट दिस टेक्निक सो येस दैट इज डन थॉर्ट मैं थोड़ा क्लाउड्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करू एंड थोड़ी और डिटेलिंग्स करूँ okay guys so finally we are done painting Hanumanji, and i just hope you guys loved it so do comment down below and like the video if you like it moving on as i promised video case starting me that i will be taking some of your questions so i have my phone with me and i quickly isko unlock home and yes so i'll be taking two questions and the question is by suchitra विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज एंड आई हैव सीन काफी लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा है विच इज द एडिटिंग एप आई एम यूजिंग हाउ डू आई एडिट माई थम ने सो इसलिए आई थॉट मैं इसी क्वेश्चन को फटाफट लेती हूँ सो दैट आप में से काफी लोग क्यूरियस रहते हो जानने के सो फॉर वीडियो एडिटिंग आई यूज़ आई मूवी एंड मुझे थम ने जो भी बनाने होते हैं उसके लिए मैं अडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ सर जस्ट एलास्ट्रेट फोटोशॉप एंड सो ऑन बिकॉज एंड फ्राम अ डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड इसलिए मैं काफ़ी कम्फर्टेबल हूँ अडोबी के सॉफ्टवेयर के साथ एंड अफकोर्स काफी लोगों ने ये पूछा है कि डू आई एडिट माई ओन वीडियोज़ येस गाइज आई डू एडिट माई वीडियोज़ ऑन माई ओन एंड सारी चीज़ें मैं खुद से ही करती हूँ सो so, अगर आपको और भी क्वेश्चन होंगे डू कॉमेंट ऑन बिलो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करूँगी थैंक यू सो मच